सैनिक भाइयों, आज जिस वीडियो को आपको दिखा रहा हूं ना, मैं उसको दिखाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और जिस समय मैं इस वीडियो की कवरेज करने गया था ना, मैं हालांकि जींद गया था हरियाणा के, और उस समय जब मैंने इस 72 वर्ष के बुजुर्ग आदमी की आंखों से निकलते हुए आंसू देखे, और जो इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो बोला, उसको देखकर मेरे खुद के होश उड़ गए थे। और बोला क्यों था बता दूं, क्यों बोला था? शायद कुछ अंधभक्तों को लगेगा कि इस 72 साल के आदमी ने हमारे मोदी जी की बेइज्जती क्यों कर दी, या इतना भला और बुरा क्यों बोला। उनको बता देना चाहता हूं कि 2013 का एक वो समय याद करो जिस समय मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर रैली करी, और रेवाड़ी के अंदर रैली करके क्या बोला कि तमाम पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों को तुम्हारा हक दूंगा वन रैंक वन पेंशन का। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन दोबारा आने वाले, मोदी जी अलग अलग भाषणों में अलग अलग बयान दे चुके हैं। कभी वो कहते हैं 65,000 करोड़ रुपया दे चुका हूं, कभी कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए दे चुका हूं, और कभी 90,000 करोड़ तक की बात करते हैं। सच क्या है? 65,000 करोड़, 70,000 करोड़ या 90,000 करोड़? जब अपनी जुबान पर हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी ना रुके तो सच क्या है? आज पूरा एक साल होने वाला है, पूरा एक साल हमारे देश के पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पे बैठे हुए अपनी वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेकर के, और उसी जंतर मंतर पर आज युवा भी बैठे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा युवा बैठे हैं हमारी पेंडिंग भर्ती की मांग को लेकर के। तमाम जगह केवल मांग 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 हो रही है कि हमें हमारा हक दो। भीख नहीं मांग रहे, मैं फिर बता दूं, भीख नहीं मांग रहे। जब इन लोगों को इनका हक नहीं मिला, एक 72 साल का आदमी जब लगातार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 11 महीने से ऊपर का समय हो गया जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों को बैठे हुए, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारा वन रैंक वन पेंशन का अधिकार दो। अरे कम से कम यदि मोदी जी आप कह रहे हैं 65,000 करोड़ दिया है, 70,000 करोड़ दिया है, 90,000 करोड़ दिया है, तो ये लोग केवल 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की बात करते हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए और ये केवल जांच करवा दीजिए कि हमारा हक कहां गया है। केवल 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग करके केवल जांच करवा दो कि इन लोगों का हक कहां गया है, इनका वन रैंक वन पेंशन का हक कहूं, अधिकार कहूं, या इनका बलिदान कहूं, किस तरह से कहूं, मुझे खुद शब्द नहीं पता। लेकिन निवेदन है मोदी जी, इन लोगों का सम्मान जरूर इनको दे दीजिए। अब एक बार वो वीडियो देखिए किस तरीके से ये 72 वर्ष के उम्र में आज ये व्यक्ति कितना परेशान, उनके माथे पे पूरा पसीना टपक रहा है। देखिए अब एक बार ये वीडियो देखिए बाप। कि ये देश, इस देश को जाति बात और धर्म में बांट दिया जाता है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी ना है कि ये देश जहां पर जो जाति पर बोलोगी उसका जाति पाति में बांटो, धर्म के नाम पर बांटो। ये देश सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के रह रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर हालात ये हैं। जिस देश के सैनिक से लग पड़ो, जिस देश के किसान से लग पड़ो, वो क्या करेगा देश? ये बात करते थे हमने 65 करोड़ रुपए दे दिए, अरे बात तो तुमने 15 करोड़ की भी की थी, बात तो 2,000 रोजगार की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये सारे जुमले हैं इलेक्शन जीतने। देखिए आज ये व्यक्ति कह रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, और आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे युवा आज पेंडिंग भर्ती की मांग को लेकर बैठे जंतर मंतर पर। आज हमारे देश के जो पूर्व सैनिक है वो कह रहे हैं जाति पार्टी में देश को बांट दिया, धर्मवाद में देश को बांट के रख दिया। बाकी एक बार ये वीडियो देखिए तब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। देखिए के लिए अभी 2024 आ रहा है, ये जब तक हमने पाकिस्तान को भगा दिया था, चाइना को भगाया है, दोनों लड़ाइयों पीछे जाए है। 71 की लड़ाई के अंदर 93,000 पाकिस्तान के कैद किए थे हमने। ये मोदी सरकार क्या सोचती है, आने वाले टाइम में ये सैनिक इसको भी बाहर करने का काम करेंगे, और ये सैनिक हटेंगे नहीं चाहे कोई हो। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई अपने हक के लिए, अपने हक के लिए। हमने एक ही वादा है, या तो वादा पूरा होगा या तिरंगा में लपट कर घर आएंगे, लेकिन वापिस नहीं आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। ये सच्चाई है, हमारे देश का जो जवान है वो वाकई 56 इंच का सीना लेकर के बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है, या तो वो तिरंगे में लिपट के आता है या तिरंगा गाड़ के आता है।
बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात आपने कही। अभी सतवीर जी को लेके बात करूं मैं, सतवीर जी ने आप लोगों के हक के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे, वो लगातार बैठे रहे कि मेरा जवान और मेरे जवान की बात करता हूं, सैनिक की बात करता हूं, एमएसपी को लेके, ओआरओपी को लेके, वहां कहां दिक्कत रही सतवीर जी से? देखिए सतवीर क्या था क्या मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, हो सकता है अपने लोभ के अंदर किसी में कोई टूट चुका हो, लेकिन जब तक जवान की आवाज नहीं सुनेंगे क्या सरकार का हक नहीं बनता? अगर एक डीसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलत आ जाए तो सारा डिस्ट्रिक्ट गलत थोड़ा हो सकता है, एक सतवीर के अंदर सारे अफसर गलत नहीं हो सकते, हो सकता है मैं गलत हूँ, सारे जवान सही नहीं हो सकते, सारे अफसर सही नहीं हो सकते, अगर किसी ने हक की आवाज उठाई है वो जवानों ने उठाई सकती है, हो सकता है बिकाऊ बहुत कुछ है, आज मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने हक के लिए है, जो इसके अंदर गलतियां हैं वो दूर करने की है, जब हम चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपना हक लेने के लिए है कि हमारे को अपना हक मिले, हम अपने बच्चों का पेट। भाई साफ कहा इन्होंने कि हमारी लड़ाई किसी एक से नहीं है, कि मोदी सरकार कोई अंधभक्त ये सोचे कि हमारी इनकी बीजेपी से कोई लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है, या जनरल सतवीर से कोई लड़ाई है, लड़ाई है तो केवल अपने अधिकार की लड़ाई है, लड़ाई है तो केवल अपने सम्मान की लड़ाई है, और सच मायने में इन लोगों को इनका सम्मान जरूर मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपके अपने क्या विचार है, आप इस चीज को कैसे देख रहे हो कि जनरल सतवीर साहब इस चीज में दोषी है या वाकई प्रधानमंत्री जी दोषी है, आप लोग किसे दोषी मानते हो सैनिक भाइयों, वो कमेंट के अंदर जरूर बताना कि वाकई आप लोगों को जो आपका अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए तो जो नहीं मिला है उसमें दोषी कौन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को और अपने सैनिक भाइयों के साथ शेयर जरूर करना और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।